सरदार पटेल जी जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। उछुड़ा अखिलेश यादव को जिन्ना प्रेम, योगी आदित्यनाथ को अखिलेश को ऊपर कड़ा आक्रमण, कहिले एहा हेउछि तालिबानी मानसिकता, सरदार पटेल को अपमान को देश केबे हेले बर्दाश्त करिबो नाही। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जयंती एकता दिवस उपलक्षे एक कार्यक्रम रे समाजवादी पार्टी रो मुख्य अखिलेश यादव को देश को भाग भाग करितिबा मोहम्मद अली जिन्ना को प्रति प्रेम उछुलिबा कारण तेबे चारियाडु समालोचनार शिकार हेउछन्ती। अखिलेश तांकर मुसलमान भोट बैंक को खुशी करबा को एपरी वक्तव्य देथिबा अनुमान करा जाउथिबा बेले एहा को नै प्रबल विवाद देखा दैछि, जहां फल रे से विवाद रे फसी जाइछन्ती। उत्तर प्रदेश रो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को काठगुडा रे ठिया कराइछन्ती। एही भाषण रे अखिलेश यादव पाकिस्तान तयारी करथिबा मोहम्मद अली जिन्ना को तुलना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सह करथिले। सुनंतु अखिलेश यादव कौन कहिथिले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो किसी नहीं हटी। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने का काम किया। यही वक्तव्य ऊपरे उत्तर प्रदेश रो राजनीति रो तापमात्रा बढ़ी जाइछि। विभिन्न राजनैतिक दल विशेष भाव बीजेपी रो नेता माने तांकु एही वक्तव्य पे टारगेट करथिबा बले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तांकु अत्यंत कड़ा भाषा टारगेट करछंती। से अखिलेश को ही वक्तव्य को अत्यंत लज्जाजनक और तालिबानी मानसिकता विशिष्ट बोली कहछंती। अखिलेश यादव को ऊपर आक्रमण करी योगी आदित्यनाथ कहछंती जे से सरदार पटेल को जिन्ना को समकक्ष भावे रखी देश विभाजनकारी जिन्नांकर महिमा मंडन करबा को चेष्टा करथिले। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़क जिन्ना की तुल जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, यह वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ आहुरी कहिथिले जे एहा हेउछि तालिबानी मानसिकता, एपरी करिबा कारणरु अखिलेश को क्षमा मागिबा आवश्यक बोले से कहिछंती। भारतर अखंडतार शिल्पी सरदार पटेल को ही अपमान को देश सह्य करि पारिबो नाही बोली से कहिछंती। ये तालिबानी मानसिकता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने स्क्रिप्ट में गले प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। डॉक्टर समन्वय नंदन का इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।